हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? राधे राधे। तो आज मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और मैंने सैंडविच बनाया था, रात आलू के पराठे बने थे तो उसकी स्टफिंग बच गई थी, तो उसी से जो है सैंडविच हो गया। और अभी जो है मैं थोड़ा सा चूड़ी वूड़ी चेंज कर रही हूँ क्योंकि एक एक कड़ा था हाथ में और वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा रेडी होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। क्योंकि जब आप अच्छे से रहते हो ना तो एक एनर्जी सी फील करते हो अपने आप में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं देखे काफ़े खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ जिन्ने पे, कपड़े उस सुखा के आई हूँ ऊपर, अभी धूप हो रही है बहुत अच्छी। तो कल के रखे हुए थे कुछ, आज सुबह मैंने मशीन लगा दी थी एक बार के तब धुल गए, तो सारे ही कपड़े मैं डाल आई हूँ और धूप बहुत अच्छी है, एक घंटे में कपड़े पूरे सूख जाएंगे। और अभी काम भी हुआ है तो पोछा थोड़ा सा गीला है, मुझे डालने हैं सारे पायदान और बाल भी सुलझाने हैं मुझे अपने, बहुत बुरी तरीके से लग रहे हैं। बाहर की चप्पल पहन के गई है, यही वाली पहन ले, बस इन्हें निकाल दी अंदर, अपनी तो निकाल रखी होगी अंदर ही। और मांटू के एग्ज़ाम है 4 तारीख से, है ना बेटा? हाँ, 4 तारीख से मांटू के एग्ज़ाम है, तो मांटू आज स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको पेपर की वो करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और इससे जो बड़े बच्चे हैं जो बड़ी क्लास में हैं उनका आज एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मांटू आज स्कूल नहीं गई। कह रही मम्मी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती और तैयारी मैं घर पर रह के ज़्यादा अच्छे से कर लूँगी, तो इसीलिए आज वो नहीं गई। और अभी मैं पायदान डाल लेती हूँ, पहले तो गिल्ला हो रहा है बहुत, पंखों का ना वो नहीं हुआ है अभी, पंखे का फिटिंग नहीं हुआ है, तो पोछा लगने के बाद में सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैंने जाल भी ढका हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हवा चलती है तो पूरी धूल मिट्टी अंदर आती है इसी वजह से, और पोछा सूखने में बिना पंखे के तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं इनसे बोल भी रही थी कि एक दो पंखों का फिटिंग करा दो क्योंकि अभी POP और वो नहीं हुआ है ना, तो इसी वजह से हमने कोई भी छत के पंखे की फिटिंग नहीं कराई थी, बट अब करवानी पड़ेगी, अब तो ज़रूरत है, पोछा भी नहीं सूख पाता और आगे आगे तो गर्मी आ रही है फिर, है ना। चलो नीचे चलते हैं, बहुत सारी बात होगी। पायदान डाल ही दो, है ना। और अभी मैं ये पायदान डाल रही हूँ अंदर, थोड़ा सा जब गीला रहता है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ अंदर जाना क्योंकि पैर फिसलने का कोई भरो, वैसे ही मेरी चप्पल अच्छी है बहुत ही, पर फिर भी थोड़ा सा वो रहता है, मैं सोचती हूँ कि पहले अच्छे से सूख जाए तभी मैं अंदर जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा गीला है अभी, मैं बाहर चल के ना बाल कंघी कर रही हूँ, ये सूख भी जाएगा, गीला भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी। तो मैंने बताया था ना, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ है और वो आ गया है, अभी मैं इसको खोलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या है इसमें। गुड़िया की साड़ी बन जाएगी इसमें। भाई वाह, गुड़िया के कपड़े भी आ गए मेरे, कुछ कढ़ाई वढ़ाई है नहीं? पागल बना दिया, सारी लपेट रखी दिखता है वो। हाँ। नहीं। शायद नहीं। बना दी हम। साफ दिख रहा।
है ना, अरे मैं बता रहा ऐसे लपेट के दे दिया, देखियो नीचे देखियो अरे नहीं है लकड़ी है, लकड़ी का मिट्टी का बहुत मिट्टी का सामान मंगवा दी, खुल गया फाइनली। तो ये मैंने एक कढ़ाई भी मंगवाई है मिट्टी की, और बड़ी अच्छी है। तो मतलब उसमें तो पिक्चर में तो बहुत छोटी दिख रही थी, पर छोटी नहीं, मतलब कुछ चीजें वहां पे छोटी दिखा है तो बड़ी मिला, जो बड़ी दिखा तो छोटी। अब हम इसको रखेंगे पानी में, अच्छी लग रही ना। अब और क्या मंगाओगी? ग्लास, तवा, ग्लास तवा कटोरी थाली लकड़ी की स्टील का सब धर दो ठाके, सब तो रखेंगे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करेंगे। ला मेरी गुड़िया की साड़ी दे दो, मैं मम्मी बना दूँ, मैं उसे मम्मी किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मांटू ने थोड़ा सा लेट ही ब्रेकफास्ट किया था और मैंने भी, भूख नहीं लगी तो फिर हमने सोचा जब भूख लगेगी तभी बना लेंगे। आलू जो है वो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि बनाऊं क्या, तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही वाले आलू, और रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मट्ठे वाले आलू। सारे तो ले लिए, अब सब्जी काय की बनाऊंगी। तो रात मैंने दही जमाई थी और ये है एक कटोरा दही है, शाम तक काम कर जाएगी। तो पहले मुझे फ्रिज से निकाल के रखनी चाहिए थी, मैंने इसको अभी फ्रिज से निकाला है, पर कोई नहीं, मुझे ये फेटनी है अच्छे से, इसमें पानी मिलाऊंगी ना तो सही हो जाएगी, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी पानी वानी मिला के। तो अभी सारी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ और मैं बना रही हूँ दही वाले आलू और उसके साथ में रोटी बनाऊंगी। तो पहले सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ अभी। सबसे पहले तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। कितनी अच्छी दही जमी है, बहुत अच्छी दही जमती है इसमें, बिल्कुल मतलब एक एक पीस ना जैसे दुकान से हम दही लाते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैंने इसमें दही ले ली है जितनी मुझे इस्तेमाल करनी है। बचा हुआ दही जो भी है उसको फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि शाम तक फिर अगर बाहर रखूंगी ना तो खट्टी हो जाएगी। प्याज काट रही हूँ मैं एक यहाँ पे, और एक लूँगी हरी मिर्च, और इसमें कुछ भी नहीं डलता है, हींग जीरे का तड़का लगा के प्याज को भी ज़्यादा नहीं भुना जाता है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और मिर्च, हल्दी जो है मैं डालूंगी प्याज में, और नमक डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। और बस अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिंपल इसमें लगाना है हमें तड़का। तो जी देखिए बैटर हो गया है तैयार, और अभी जला लेते हैं गैस को और रखते हैं अपना मिट्टी का बर्तन। बहुत अच्छा है सच में,
बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और बहुत ही पसंद आया मुझे ये तो बस। और हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते थे मुझे कि आप सिल्वर की कढ़ाई यूज़ मत किया करो। देखिए अभी मेरे पास में है तो मैं करूँगी तो, पर कम करूँगी, है ना। तो वही चीज़, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो अभी है तो जब तक स्टील की बड़ी कढ़ाई नहीं आती है तब तक मैं उसको करूँगी। वैसे मैं अवॉइड करूँगी अब सिल्वर वाले जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं वो वाले। तो बस मैंने इसमें हींग जीरा डाल दिया था, फिर प्याज डाल दी है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं वो करना है कि बिल्कुल इसको सुनहरा करना है, बस हल्का सा इसमें प्याज में सॉफ्टपन आना चाहिए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको फिर मैं इसमें डाल दूंगी दही। तो जो हमने दही का पेस्ट बनाया हुआ है डाल के इसको प्रॉपर आपको चलाना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। दही बहुत जल्दी फटता है, और अगर रूम टेम्परेचर पे ना हो और फ्रिज से आपने निकाला हो तो और भी ज़्यादा जल्दी फटता है। बस जैसे इसमें उबाल आ गया था अच्छा सा, फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अभी इसको 4 से 5 मिनट और खदकाना है, और फिर इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, और इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो हमारे दही वाले आलू बनके तैयार हैं। जब कुछ ना समझ में आए तो दही आलू बनाए, बहुत अच्छी रेसिपी है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे दही वाले जो आलू हैं वो हो गए हैं बनके तैयार, और खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं खट्टे मीठे से। तो चलिए अभी बना लेती हूँ मैं रोटी। रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं और आलू को एक साइड रख देते हैं। दूध भी अभी गर्म ही है, तवा रख लिया है, गैस चलाते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। और मांटू को भी साथ के साथ डाल के दे दूँगी। आटा मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया है क्योंकि अभी भी लेट हो रहा है हमारा दोपहर का खाना, और जो भी आटा बचेगा ना वो शाम को काम आ जाएगा। मुझे तो मुश्किल ही भूख लगेगी रोटियों की तो जा शाम को। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं मांटू को दे दूँगी थाली लगा के, उसकी मैंने रोटी सेक दी है। और पहले तो वो मना कर रही थी पर उसको बाद में बहुत टेस्टी लगे आलू, उसने एक रोटी एक्स्ट्रा भी खाई। तो अभी मैं दे के आती हूँ मांटू को। आगे मांटू, मैंने मांटू को भूख लग रही है। ले बेटा एक और बना दो, खा के देख ले कभी मन करने लगे। खुशबू अच्छी आ रही, बच्चों को भी बता खुशबू का। अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए, और शाम के लिए ना मैंने पनीर रखा हुआ है, ये रहा। तो सोच रही हूँ शाही पनीर बनाने का मैं आज, अभी देखेंगे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये वाली सब्जी बच गई शाम के लिए तो फिर नहीं मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं कर लेती हूँ ऐसा। अगर दोपहर की सब्जी बच गई तो फिर उसी में जो है शाम का काम भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो ये खाते नहीं है, उनकी सुबह में लंच बनता है। तो देखते हैं अभी, बचेगी तो नहीं बनाऊंगी, और अगर नहीं बची फिर बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। दही आलू है और रोटी है, और इसके साथ में मैंने थोड़ी सी ली है, हमारी ना वो ख़त्म हो गया है, गुड़ की डली जो होती है वो ख़त्म हो गई है। तो इसी नहीं बेटा, गुड़ ख़त्म हो गया, शक्कर तो बेटा अब ले लो, अब मैं खाना खा रही, रोटी खा के अब इसको गुड़ जा रहा है। सच में बहुत टेस्टी बना था, और बोलोगे आप लोग कि खुद की बड़ाई खुद ही कर रही है, नहीं सच में अच्छा बना था।
और अभी मैं ये जो मेरा मिट्टी का बर्तन है इसको मैं झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, अलग से बिल्कुल खाना इससे वो डाल के और तुरंत इसको धो के रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी का है ना साबुन हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो झूठे बर्तनों में भी नहीं रखना चाहिए। जो भी बर्तन हमारे हुए थे साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं, सिंक साफ़ कर दिए हैं, और अभी कर लेते हैं अपना हैंड वॉश और थोड़ा सा लोशन लगाऊंगी, क्योंकि आजकल मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और फिर मुझे जो है उसमें खुजली होती है बहुत ही ज़्यादा दवाई की वजह से, पता नहीं कैसे, तो मैं साथ के साथ लोशन लगा लेती हूँ। अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है, बर्तन वर्तन भी साफ कर दिए हैं, और अभी मैं लाइट नहीं आ रही और फिर भी चलते हैं ऊपर छत पे, कपड़े लाती हूँ उतार के, पूरा समेट दिया है सारा। बोला था मैंने कहा बेटा ऊपर जाके देखा, ऐसा लग रहा था जैसे बंदर हूँ ऊपर, किधर के गेट खोल रखे इस लड़की ने। कपड़े सारे सूख गए हैं और अभी मैं ये सारे कपड़े बास्केट में भर के रख दूँगी, लेके नहीं जाऊँगी, मांटू से भी नहीं जाएगी, ना ही मैं लेके जाऊँगी, वही लेके जाएंगे जब आएंगे। तेरा हंसना भी जन्नत है।